नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। महू जिला इंदौर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा का विशाल घंटानाद आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी महू के द्वारा किसान की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ते का वादा खिलाफी आदि के विरोध में भाजपा के द्वारा महू में कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के खिलाफ घंटानाद आंदोलन किया, जिसमें कमलनाथ सरकार पर उनके मंत्री विधायकों द्वारा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, खुला आरोप लगाना, चुनाव में किए गए वादा खिलाफी व पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर एवं प्रधानमंत्री आवास योजना बंद, तीर्थ दर्शन योजना बंद, गरीब बेटियों की शादी के पैसे मिलना बंद आदि के खिलाफ आंदोलन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक सोमानी, जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार, राम किशोर शुक्ला, विष्णु प्रसाद शुक्ला, सुभाष राजेश वर्मा, पूर्व सरपंच भगोरा, सत्यनारायण परमार आदि के नेतृत्व में हरी फाटक से जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय में जाकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने घंटानाद आंदोलन से कमलनाथ की जो मुंगी बहरी और निकम्मी सरकार जगाने का एक अभियान, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी अवगत कराना चाहता हूं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, चाहे वो किसानों के कर्ज माफी का वादा हो, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा हो, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का वादा हो, इन सब वादों पर कमलनाथ की सरकार फेल हुई है। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया गया है और दुर्गति तो इस बात की है कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हुई है। सड़कों की स्थिति आप देख ही रहे, मतलब मध्य प्रदेश अराजकता की ओर जा रहा है। मध्य प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार विपक्षी भूमिका में है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सरकार को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अन्यथा जनता आपकी ईंट से ईंट बन जाए। जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और कांग्रेस की सरकार जिस तरह से भाई भतीजावाद और तमाम अवैध उत्खनन पूरे प्रदेश के अंदर भेज के चल रहे हैं, उसके साथ ही तमाम भ्रष्टाचार के माध्यम से स्थानांतर जो नीति है वो आज तक लाखों रुपए लेकर के और स्थानांतर किए जा रहे हैं। उसके साथ ही हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ भी जगह जगह उनको बंद किया जा रहा है और उनके साथ चुनाव के अंदर जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया उनके खिलाफ मुकदमे लगा करके उनको बंद करने का प्रयास किया। तो पूरे प्रदेश के अंदर तहसील स्तर और जिला स्तर पर कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किया गया, साथ ही घंटे घंटियाल बजा करके मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर उन्होंने अपनी ये दो मुई नीति को बंद नहीं किया तो भ्रष्टाचार को जो मध्य प्रदेश को समाप्त करके छोड़ेगा, ऐसे कमलनाथ सरकार को यदि राष्ट्रपति ने बर्खास्त नहीं किया तो ये आंदोलन हम लोग रोडों पर लाएंगे और सड़कों पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके और इस कांग्रेस की सरकार की झूल से झूल हिला देंगे और उनको कमलनाथ जी को सोचना पड़ेगा कि नीतियों को अपनी बंद करे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो दुस्साहस कर रहे हैं वो तमाम झूठे मुकदमे लगाने का उसे वो बंद करे, नहीं तो उनके सरकार को ज्यादा दिन गिरने में समय नहीं है। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।